मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम अपनी 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। नई दिल्ली में गुरुवार को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ उनके साथ आए एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं की मौजूदगी में आपसी महत्व के 3 मुद्दों के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। बाद में दोनों नेताओं ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि दोनों ही देश समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद पर मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे की सरजमी का गलत तत्वों द्वारा इस्तेमाल नहीं होने देंगे। प्रेसिडेंट यामीन एंड आई हैव एग्रीड दैट आवर कोऑपरेशन इज इंडिस्पेंसिबल फॉर द मैरिटाइम सिक्योरिटी ऑफ आवर 2 कंट्रीज एंड एसेंशियल फॉर प्रमोटिंग पीस प्रॉस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी इन द इंडियन ocean region. We are also conscious of the need to remain vigilant against terrorism and we share the firm commitment to remain sensitive to each other's concerns and not allow our territories to be used by any inimical quarters. मालदीव के राष्ट्रपति ने इस मौके पर कहा कि भारत हमेशा से ही मालदीव का एक महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है। उन्होंने कहा कि मालदीव के विकास में भारत का अमूल्य योगदान है। India has assisted Maldives in times of need, as I have recalled earlier. But India continues to assist us in all areas of development. We have exchanged several areas of interest to both countries, areas of interest to only Maldives. But in all these cases, Indian Prime Minister, Indian government has extended to us Indian support. मालदीव में हाल के दिनों में तेजी से बदले राजनीतिक घटनाक्रम के बाद अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम ने राष्ट्रपति का पद संभाला है। उनकी भारत यात्रा को दोनों देशों के आपसी संबंधों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता में माले हवाई अड्डे से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने सभी मुद्दों पर आपसी सहमति के जरिए समाधान निकालने और आपसी सहयोग बढ़ाने की बात की। ऋषि कुमार, DD News, दिल्ली।